अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है फंक्शन लाइब्रेरी। बेसिकली फंक्शन लाइब्रेरी होता क्या है? फंक्शन लाइब्रेरी आर द प्री डिफाइंड फार्मूलाज डेट परफॉर्म स्पेसिफिक कैलकुलेशन। प्री डिफाइंड फार्मूले पहले से ही एक्सेल के अंदर इस्टेब्लिश किए जाते हैं ताकि हम अपने काम को आसानी से परफॉर्म कर सकें, यानी कि हमें जो भी कैलकुलेशन करनी हो आसानी से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी तरह दो टेक्निक इस्तेमाल करेंगे फंक्शंस लाइब्रेरी के अंदर। नंबर वन जीसीडी एंड सेकंड वन इज़ एलसीएम। अब जीसीडी आपके पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होता है किसी भी दो इंटीजर नंबर्स का या दो से ज़्यादा इंटीजर नंबर का, और एलसीएम आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है किसी भी दो या दो से ज़्यादा इंटीजर्स नंबर्स का। अब इसके अंदर आपके पास फंक्शंस लाइब्रेरी कहाँ पे मौजूद होता है? आपके पास होम टैब के अंदर हम जाएंगे फार्मूलाज के अंदर। फार्मूलाज में आने के बाद आपके पास मैथ एंड ट्रिक्स के अंदर ये ऑप्शन मौजूद हैं, जीसीडी एंड सेकंड वन इज़ एलसीएम। तो हमें सबसे पहले जीसीडी फाइंड करना है। जीसीडी के लिए आपके पास कोई भी नंबर टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने 34 टाइप किया, सेकंड सेल में मैंने 59 टाइप किया एंड थर्ड सेल में मैंने 60 टाइप कर दिया। जीसीडी अप्लाई करने के लिए आपके पास कहाँ जाना है? आपके पास मैथ एंड ट्रिक में, यहाँ पर आने के बाद आपके पास जाना है जीसीडी में। जीसीडी में आपके पास यहाँ A4 सेल के अंदर आपको इसका तीन नंबर्स का आंसर चाहिए, यानी तीन नंबर में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र चाहिए। तो मैं इसका रेफरेंस यहाँ पर टाइप करूँगा। पहला सेल का रेफरेंस है आपके पास A1, दूसरे सेल का है रेफरेंस A2 और तीसरे सेल का रेफरेंस है A3। तो यहाँ देखें इसके अंदर सबसे ज़्यादा डिवाइज़र आपके पास 1 आ रहा है। जब मैं ओके करता हूँ यहाँ पर तो इसका आंसर इस A4 सेल में आ जाएगा। जैसे मैं कोई चेंज करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर जीसीडी हमारा वही रहेगा। जैसे मैं सेल में से कोई भी सेल 99 कर देता हूँ तो यहाँ जीसीडी अभी भी 1 आ रहा है। जैसे ही मैं 56 एंड 60 करता हूँ तो मेरा जीसीडी यहाँ पर चेंज हो जाएगा। इसी तरह दूसरी टेक्निक है जिसका नाम एलसीएम है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको किस तरह फाइंड आउट करेंगे? इसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर कोई भी तीन नंबर टाइप कर देंगे, 2, 4 एंड 3। तो इसके अंदर भी आपको A4 सेल के अंदर एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल का आंसर देखना है, यानी कि इसका एलसीएम क्या निकलेगा इन तीन नंबर्स का। तो मैं यहाँ पर मैथ एंड ट्रिक में जाऊँगा, वहाँ जाने के बाद मैं एलसीएम को चूज़ करूँगा। जैसे मैं एलसीएम चूज़ करता हूँ तो यहाँ पर मैं सेल रेफरेंस की बात करूँगा। तो सेल रेफरेंस आपके पास यहाँ पर A1, सेकंड सेल रेफरेंस है A2 और थर्ड रेफरेंस है आपके पास A3। तो यहाँ देखें इस लीस्ट कॉमन मल्टीपल का आंसर यहाँ पहले से मौजूद है, 12। जैसे मैं इसको ओके करता हूँ तो ये सेल में इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब तीन नंबर का एलसीएम यहाँ पर 12 आएगा। यह आपके पास दो टेक्निक थी, जीसीडी एंड एलसीएम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।